दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली और गुजरात के बीच आईपीएल का 32वां रोमांचक मैच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि जब भी गुजरात और दिल्ली की टीम आमने सामने होती है तो मुकाबला अपने आप रोमांचक बन जाता है, क्योंकि एक तरफ गुजरात की टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल में संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, आज दिल्ली की टीम ऐसा चमत्कार कर दिखाएगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। हुआ ये कि दिल्ली और गुजरात के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और ये फैसला इतना कारगर साबित हो जाएगा इसके बारे में खुद ऋषभ पंत ने भी नहीं सोचा होगा। हुआ ये कि जब रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने गुजरात के लिए पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी करने की जरूरत थी शुरुआत में मजबूत ओपनिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, शुभमन गिल के रूप में पहला बड़ा झटका गुजरात की टीम को लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशांत शर्मा ने दूसरे ही ओवर की पांचवी गेंद पर पृथ्वी शॉ के हाथों शुभमन गिल को 8 रन पर ही कैच आउट करवा दिया, और जब गिल आउट हुए तब गुजरात का स्कोर मात्र 11 रन पर था। खैर, कप्तान आउट हो गए, अभी बाकी के खिलाड़ी तो बच रखे थे तो उनसे उम्मीदें बरकरार थी। लेकिन यहाँ रिद्धिमान साहा का जब साथ निभाने के लिए साई सुदर्शन उतरे तो रिद्धिमान साहा और साई सुदर्शन के बीच भी साझेदारी आगे बढ़ नहीं पाई। यहाँ पर संघर्ष कर रहे रिद्धिमान साहा को मुकेश कुमार ने बोल्ड आउट कर दिया और 10 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो भी चलते बने, और इसी के साथ 28 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद गुजरात की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आने लग गई। अब साई सुदर्शन और डेविड मिलर से हर किसी को उम्मीद थी कि यहाँ पर बड़ा स्कोर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर डेविड मिलर के चक्कर में साई सुदर्शन रन आउट हो गए और सुमित कुमार ने बेहतरीन रन आउट करके साई सुदर्शन को 12 रन पर ही चलता किया, और 28 रन के कुल स्कोर पर 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने पारी को संभाला। इस बीच डेविड मिलर को जब ईशांत शर्मा पांचवा ओवर करवा रहे थे तभी डेविड मिलर ने बाहर जाते हुए गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधा ऋषभ पंत के हाथों में चली गई, जिसके चलते गुजरात की टीम को चौथा झटका मिलर के रूप में लगा और 2 रन बनाकर डेविड मिलर आउट हुए। अब 4 बड़े विकेट मात्र 30 रन के कुल स्कोर पर गिर जाने के बाद गुजरात की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी थी। यहाँ पर अभिनव मनोहर और राहुल तेवतिया से गुजरात के कोच आशीष नेहरा को पूरी उम्मीदें थी कि यहाँ से ये जरूर पारी को संभाल लेंगे, लेकिन आज ऋषभ पंत की कप्तानी कुछ इस अलग लेवल की थी कि यहाँ उन्होंने सामने वाली टीम को कोई मौका ही नहीं दिया। अभिनव मनोहर तो छोड़ो, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान को भी ऐसे उन्होंने जाल में फंसाया कि यहाँ पर पूरी गुजरात की टीम ऋषभ पंत के आगे घुटने टेकती हुई नजर आई। जी हाँ, इस बीच अभिनव मनोहर और राहुल तेवतिया ने जब पारी को संभालना शुरू किया था तभी अभिनव मनोहर को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों स्टंप आउट कर दिया ऋषभ पंत ने, और 8 रन बनाकर मनोहर चलते बने, और ये विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए शाहरुख खान, जहाँ शाहरुख खान को भी पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करवा दिया, और ये लगातार 2 बड़े झटके और लग जाने के बाद गुजरात की टीम ने अपने 6 विकेट 48 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिए थे। अब राहुल तेवतिया और राशिद खान को पूरी उम्मीदें थी अपनी टीम के लिए चमत्कारी पारी खेलने की, लेकिन दोस्तों यहां पर राहुल तेवतिया तो अक्षर पटेल का शिकार बने और उनकी अंदर आती हुई गेंद पर LBW बोल्ड आउट होकर राहुल तेवतिया भी 10 रन बनाकर आउट हो गए, और तेवतिया के आउट हो जाने के बाद मोहित शर्मा और राशिद खान ने मिलकर 12 रन की साझेदारी तो की, लेकिन यहाँ मोहित शर्मा 2 रन बनाकर ही आउट हो गए तो नूर अहमद भी 1 रन बनाकर चलते बने, लेकिन राशिद खान इस मुकाबले में बखूबी लड़े, जहाँ उन्होंने किसी भी गेंदबाज को उनके आज के मुकाबले के विकेट देखकर नहीं आंका, वो बस बड़े शॉट लगाने पर विश्वास जता रहे थे, जिसके चलते यहाँ राशिद खान ने 23 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 31 रन भी जोड़ लिए थे। अब ऐसा हर किसी को लग रहा था कि राशिद खान 120 रन के पार अपनी टीम गुजरात को लेकर जाएंगे, लेकिन जब जब ये लगने लगा तभी गुजरात की टीम का विकेट गिरा। यहाँ पर मुकेश कुमार ने ऋषभ पंत के हाथों राशिद खान को 31 रन पर कैच आउट करवा दिया, और जिसके चलते 89 रन के कुल स्कोर पर गुजरात की टीम अपने 10 विकेट गंवाकर वापस लौटी। अब यहाँ पर गुजरात के खिलाफ सबसे ज्यादा 3 विकेट मुकेश कुमार को मिले तो 2-2 विकेट ईशांत शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स के नाम रहे और 1 विकेट खलील अहमद और अक्षर पटेल को मिला। अब दोस्तों, इस मैच में गुजरात की टीम से ऐसे शर्मनाक प्रदर्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर अब दिल्ली के लिए जब पारी की शुरुआत करने के लिए और 90 रन का स्कोर हासिल करने के लिए तेजी से मैदान पर
कप्तान ऋषभ पंत ने अचानक से फैसला किया कि पृथ्वी शॉ के साथ जैक फेजर मैकगुर्क को भेजा जाएगा। और दोस्तों आते से ही दोनों बल्लेबाजों ने बस यही इरादा रखा कि मैच को जल्दी से जल्द खत्म किया जाए। जी हां दोस्तों, यहां पर जैक फेजर मैकगुर्क ने तो 9 गेंदों पर ही 20 रन जड़कर ये बता दिया था कि वो मैदान पर रुकने वाले नहीं है, लेकिन यहां उनको रोकने का काम स्पेंसर जॉनसन ने किया। जी हां दोस्तों, 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए जैक फेजर मैकगुर्क अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाकर चलते बने। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए अभिषेक पोरेल, जहां पृथ्वी शॉ और अभिषेक पोरेल के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती। उससे पहले ही पृथ्वी शॉ को भी संदीप वॉरियर ने स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। और ये 2 बड़े झटके मात्र 31 रन के कुल स्कोर पर लग जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह से इस मैच में बैकफुट पर जा चुकी थी। यहां पर किसी ने भी सोचा नहीं था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस लो स्कोर के रन चेस पर भी कमान हासिल नहीं कर पाएगी। हालांकि यहां पर अभिषेक पोरेल और शाई होप ने मिलकर फिर साझेदारी को आगे बढ़ाया, जिनकी बदौलत यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने नाम कर पाने में कामयाब हो सकी। और दोस्तों इस मैच में ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स का भी आना बाकी था, जो मैदान पर बड़े शॉट लगाकर वैसे भी इस मैच को आसानी से जिताने का दम रखते थे। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बारे में, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा।